जब भी कोई मार्केट से नया यूनिवर्सल मदरबोर्ड खरीदते हैं और मदरबोर्ड को खरीदने के बाद बहुत बार ऐसा भी होते हैं कि मदरबोर्ड के अंदर ये जो हमारा एल कनेक्टर दिया रहता है इसके पीछे किसी भी प्रकार के कोई भी डेटा लिखा नहीं होता है ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत आ जाती है कन्फ्यूजन आ जाती है कि अगर हमें इसके साथ कोई भी पैनल का डेटा को मैच कराना है तो कराएंगे कैसे इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको यूनिवर्सल मदरबोर्ड का जो एल कनेक्टर होता है उस कनेक्टर का कौन सा पिन किस लिए इस्तेमाल की जाती है सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ इस चीज को आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक कॉपी और पेन की और इस कॉपी के अंदर में सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड के अंदर जो तीस कनेक्टर दिया रहता है ये सारे कनेक्टर को एक एक करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पेन किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एल बी डी एस सिग्नल होते हैं ऑड इवेंट यानी कि चैनल प्लस चैनल माइनस डेटा प्लस डेटा माइनस जो सिग्नल होते हैं एलबीडीएस सिग्नल जो कि वन वोल्ट से लेकर वन पॉइंट टू वोल्ट तक होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लगभग सभी जो यूनिवर्सल मदर बोर्ड होता है सारे के अंदर एक ही सिक्वेंस से जो हमारा डेटा का सिग्नल दिया रहता है इसीलिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सल मदरबोर्ड आप देख रहे होंगे ये सारे के अंदर सेम एल का जो सिग्नल्स का जो डेटा दिया हुआ ही बिल्कुल same same है बिल्कुल सेम टू सेम है इसीलिए मैं आपको एक्ट से कहना चाहूंगा कि आपके पास किसी भी नंबर का मदरबोर्ड क्यों ना हो उसके अंदर सारे जो डेटा का लाइन होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी टोटल त्रीस कनेक्शन दिया रहता है और यहाँ पे एक मिसिंग है लगभग बहुत सारे मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक पिन आपको मिसिंग मिलेंगे क्योंकि वो जो पिन होता है वो हमारा कोई काम का नहीं होता है यहाँ पे देखिए नॉट कनेक्टेड रहता है ये भी यहाँ पे एक मिसिंग है उसके साथ साथ हमारे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पर भी मिसिंग है यहाँ पे देखिए कोई भी हमारा ये काम का नहीं है और इसी पिन के जरिए आप पता लगा सकते हो कि हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई किस साइड है यहाँ पे देखिए ऊपर से एक दो तीन नंबर का ये जो आप पिन देख रहे होंगे यहाँ पे मिसिंग है इसका मतलब हमारा जो पावर सप्लाई सेक्शन होगा वो इस साइड होंगे ये पहला दोस्तों इंडिकेशन है किसी भी बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई जानने के लिए एलबीडी कनेक्टर के अंदर और दूसरा जो हमारा इंडिकेशन होता है यहाँ पे देखिए एरो दिया हुआ है और सभी मदरबोर्ड के अंदर एक ना एक एरो दिया रहता है पॉजिटिव पावर सप्लाई किस साइड है उसको पहचान करने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एरो दिया गया है तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ कि कौन सा किस डेटा के लिए इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मैंने तीस पिन यहाँ पे ड्रॉ करा हूँ यहाँ से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और इस साइड से मैंने यहाँ पे एक खाली रखा हूँ क्योंकि सभी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर ये वाला पिन जो है यहाँ पे खाली रहता है उसके बाद में यहाँ पे एक एरो सिंबल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है वो कुछ किस साइड है जहाँ पे आपको इस तरीके का एरो सिंबल देखने को मिले तो हमारा पावर सप्लाई सेक्शन इधर से स्टार्ट होंगे चलिए मैं एक एक करके बता देता हूं कि हम पकड़ेंगे ये वाला हमारा एक नंबर पिन तो ये वाला एक नंबर पिन इसका मतलब है ये वाला हमारा दो नंबर पिन। मैं एक बार थोड़ा सा छोटा-छोटा करके लिख देता हूं। एक। तो यहाँ पे टोटल तीस जो हमने पिन ड्रा करा हूं यहाँ पे देखिए यहां से शुरू होती है एक दो तीन चार पांच छह इस तरीके से करते हुए यहाँ पे उनतीस यहाँ पे तीस तो चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन सा नंबर का पिन हमारा किस काम के लिए इस्तेमाल हो, होती है तो हमारा एक नंबर जो पिन होती है दोस्तों ये हमारा होती है बीसीसी के लिए बीसीसी मतलब ये पावर सप्लाई पॉजिटिव होता है और दो नंबर पिन है ये भी हमारा बीसीसी के लिए होती है तीन नंबर पिन हो जाती है हमारा एमसी मतलब नॉट कनेक्ट इसका कोई काम नहीं होता है और चार नंबर पिन भी हमारा हो जाती है नॉट कनेक्ट उसके बाद अगर हम बात करें पांच नंबर पिन की ये होती है हमारा ग्राउंड जहां से हमारा एक नंबर पिन खाली रह जाती है वो उसके ऑपोजिट साइड का जो पिन होता है वो होता तो है हमारा ग्राउंड यानी कि ये पिन हमारा ग्राउंड होती है मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ और आपको लाइव भी दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए हमारा ये जो कनेक्टर है इस कनेक्टर के अंदर ये वाला एक नंबर पिन तो ये पिन हमारा हो जाती है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए ये वाला भी हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई के ये नॉट कनेक्ट यहाँ पे नॉट कनेक्ट और यहाँ पे देखिए ये एक का जो पिन है हमारा यहाँ पे मिसिंग है और जहाँ पे मिसिंग रहेगा उसका ऑपोजिट साइड पे यानी कि पांच नंबर पिन हमारा ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड के लिए तो हमारा पॉजिटिव और ग्राउंड हो चुका है उसके बाद हमारे बात आती है सात नंबर पिन की हमारा जो ऑड और इवेंट का सिग्नल स्टार्ट होती है वो हमारा एक नंबर साइड से सारे के सारे नेगेटिव होंगे और हमारा दो नंबर साइड पे जितने भी होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इसलिए हमारा यहाँ पे होगा जीरो माइनस यहाँ पे हम प्लस को कर देता हूँ उसके बाद इस हमारा जीरो प्लस उसी तरीके से अगर हम नाइन नंबर की कनेक्शन की बात करें जो पिन की बात करें तो ये जो हो जाएगा हमारा वन माइनस और दस नंबर हो जाएगा वन प्लस इसी तरीके से दोस्तों अगर हम ग्यारह और बारह नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा टू माइनस और यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस उसके बाद तेरह और चौदह की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड तेरह और चौदह का जो पिन है दोस्तों वो ऑलवेज हमारा ग्राउंड होंगे किसी भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड क्यों ना हो सारे के अंदर तेरह और चौदह नंबर का पिन हमारा हो होगा ग्राउंड दोनों के दोनों ग्राउंड हो जाएंगे उसके बाद हम अगर बात करें पंद्रह और सोलह नंबर की तो पंद्रह हो जाएंगे हमारा सी माइनस और सोलह नंबर हो जाएगा सी प्लस सी का मतलब होता है दोस्तों क्लॉक यानी कि क्लॉक सिग्नल हमारा इन दोनों पिनों के जरिए ही हमारे मदरबोर्ड से पैनल के अंदर जाएंगे या टिकॉन के अंदर जाएंगे उसके बाद बात आ जाती है अट्ठारह और उन्नीस नंबर की तो ये सोतरा नंबर का जो पिन है ये हमारा थ्री माइनस अठारह नंबर का हो जाएंगे हमारा थ्री प्लस उसके बाद उन्नीस नंबर का जो पिन होगा दोस्तों ये हो जाएंगे हमारा जीरो माइनस और बीस नंबर का हो जाएगा जीरो प्लस मैं यहाँ पे और एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहां से लेकर यहां से लेकर यहाँ तक जितने भी हमने सिग्नल्स को बताया हूं जीरो माइनस जीरो प्लस ऑन माइनस ऑन और उसके साथ ही साथ जो भी सिग्नल मैंने हूँ ये सारे के सारे दोस्तों पैनल के लिए यहां हमारा काम आती है। और टेन बीट सारे सारे से ऊपर जो पैनल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है अगर आपके पास कोई एट बीट या सिक्स बीट का टू चैनल पैनल है और उसके अंदर नॉन एच डी रेजुलेशन है तो आप जो है ये सारे कनेक्शन करते ही आपके पैनल पर पिक्चर आ जाएंगे लेकिन अगर आपके पास फुल एच पैनल है, है तो चलिए जैसे ही शुरू हो जाएंगे जैसे कि हमारा सेवन नंबर पिन और एट नंबर पिन जीरो प्लस जीरो माइनस के लिए इस्तेमाल किया गया था ठीक उसी तरीके से उन्नीस और बीस नंबर का जो पिन है जीरो माइनस जीरो प्लस के लिए इस्तेमाल होंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए नौ और दस नंबर का जो पिन है दोस्तों वन माइनस ऑन प्लस के लिए इस्तेमाल हुआ था ठीक उसी तरीके से इक्कीस और बाईस नंबर का जो पिन है वन माइनस और वन प्लस के लिए इस्तेमाल होंगे ठीक उसी तरीके से दोस्तों हमारा ग्यारह नंबर और बारह नंबर का जो पिन हमारा इस्तेमाल हुआ था टू माइनस टू प्लस के लिए ठीक उसी तरीके से तेईस और चौबीस नंबर का जो पिन है वो भी हमारा हो जाएंगे टू माइनस टू प्लस के लिए इस्तेमाल उसके बाद पच्चीस और छब्बीस का जो हमारा होंगे दोस्तों ये सारे के सारे हमारा ग्राउंड होंगे जी एनडी का मतलब होता है ग्राउंड उसके बाद हमारा आ जाती है सी माइनस मतलब क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस और लास्ट में जो हमारे एक बच रही है 29 और नंबर का पिन पिन ये दोनों हमारा हो जाएंगे थ्री माइनस थ्री प्लस तो ये टोटल तीस कनेक्शन सभी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको ये जो सारे के सारे थ्योरिटिकली मैंने बताया हूं अब मैं आपको दो तीन बोर्ड के अंदर से ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे यूनिवर्सल मदरबोर्ड को देखिए इस यूनिवर्सल मदरबोर्ड के पीछे सारे के सारे डिटेल्स यहां पे दिया हुआ है और मैंने ये जो सारे चीजें आप लोगों को यही इसलिए बताया हूँ ताकि जब भी आपके पास कोई भी मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने के लिए आए या कोई भी आगे आने वाले दिनों में एक नया मदर आए और उसके अंदर अगर ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा इसलिए मैं इस वीडियो को बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा और इस वीडियो को आप लाइव टाइम तक एक्सेस कर सकते हो फ्री में आपको इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे और मैं आप लोगों को इसके अंदर और भी दो तीन चीजें बताया हूँ कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा एच पैनल के लिए इस्तेमाल होती है और यहाँ से लेकर सारे के सारे जो हमारा पिन से ये हमारा फुल एच पैनल के लिए इस्तेमाल हो जाती है जो की हमारा दस अस्सी इंटू उन्नीस बीस रेजुलेशन में इस्तेमाल होती है और ये वाला जो हमारा होती है तेरा सो छठ सौ रेजुलेशन में होती है और उसके साथ ही साथ इससे छोटा भी जितने भी रेजुलेशन होती है उनके लिए भी ये सारे इस्तेमाल होती है लेकिन अभी के जमाने में जितने भी पैनल्स आते हैं या मदरबोर्ड आते हैं वो सबसे ज्यादा यानी कि 99 परसेंट जो मदरबोर्ड होता है या पैनल्स होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे नॉन एच या तो फुल एच यानी कि ये दोनों में से उसके अलावा अगर आपके पास कोई फोर के आए, 8K है एट के आए तो उसके लिए हमारा ये यूनिवर्सल बोर्ड काम पे नहीं आएंगे उसके लिए आपको कॉन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि ये सारे जो हमारा यूनिवर्सल बोर्ड होती है दोस्तों ये सारे के सारे टू के में आती है जिसका मैक्सिमम रेजुलेशन होती है दस अस्सी इंटू उन्नीस बीस लेकिन अगर आप इसी बोर्ड को किसी फोर के के अंदर इंस्टॉल करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा इसके लिए आपको टू से फोर कन्वर्टर आपको जरूरत पड़ेगी तो चलिए मैं आज मैं आपको दिखा देता हूँ इस बोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसी से आप इसके साथ जो सारे कनेक्शन कर सकते हो और मैं आपको बता देता हूँ अगर हम इसको प्लाट पल, देंगे पीछे साइड से तो राइट साइड में ये जो पिन होंगे ये हमारा एक नंबर के होंगे यानी कि हमने इस कॉपी पर अगर यहाँ पे एक नंबर पिन को हमने ड्रॉ करा हूँ तो अगर आप मदरबोर्ड को उल्टा करके पकड़ोगे तो हमारा जो मदरबोर्ड के अंदर एक नंबर पिन इस साइड में ये वाला होंगे अगर इस मदरबोर्ड को आप इस तरीके से सीधा करके पकड़ोगे तो हमारा एक नंबर पिन लेफ्ट साइड का ए वाला होंगे तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया ही होंगे तो जैसे कि मैं आप लोगों को दावे के साथ कहा हूँ कि हमारा तेरह नंबर जो पिन है चौदह नंबर पिन और उसके साथ साथ पच्चीस नंबर पिन और छब्बीस नंबर पिन हमारा ग्राउंड के लिए इस्तेमाल होती है चलिए इसी बोर्ड के अंदर मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देता हूँ आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि हमने आपको जो बताया हूँ ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं इसके लिए मैं अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखता हूँ ताकि हम लोगों को ग्राउंड के साथ कॉन्टिन्यूटी देखने को मिले तो हमने इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी पे रखने के बाद हमारे एक प्रॉप को यहाँ पे टच करेंगे और दूसरे प्रॉप को यहाँ पे देखिए बीप साउंड मिल रहा है तो चलिए अब इसी पिन को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए पांच नंबर पिन के साथ टच करेंगे जो कि यहाँ पे देखिए ये खाली है और इसके पीछे ये हमारा पांच नंबर पिन देखिए ग्राउंड के साथ हमने टच करा तो यहाँ पे बीप साउंड सुनाई दे रहा है इसका मतलब ये हमारा ग्राउंड का पिन और इसके नीचे ठीक कितना नीचे एक दो तीन चार नंबर नीचे तो यहाँ पे हमारा एक दो तीन चार ये वाला पिन हमारा ग्राउंड देखिए ये वाला भी ग्राउंड जो कि हमारा तेरह नंबर पिन और इसके अगले यानी कि बगल का जो है चौदह नंबर पिन ये भी ग्राउंड तेरह और चौदह हमारा ग्राउंड हो गया उसके साथ साथ नीचे से यहाँ पे देखिए पच्चीस और छब्बीस नंबर का जो पिन है ये भी हमारा ग्राउंड हो गया तो नीचे से एक दो तीन नंबर पिन एक दो तीन यहाँ पे देखिए ये भी हमारा ग्राउंड और ये भी ग्राउंड तो आपको पता चल गया दोस्तों लगभग सभी यूनिवर्सल मदरबोर्ड के अंदर यही सिक्वेंस से एलबीडीएस कनेक्टर दिया रहता है इसका भी चेक करके आपको दिखा देता हूं यहाँ पे हमारा पांच नंबर ग्राउंड उसके बाद हमारा कितना नीचे से तीन ग्राउंड हो गया उसके बाद हमारा एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर एक दो तीन चार पाँच छः सात नंबर यहाँ पे देखिए ये वाला सात नंबर पिन हो गया सात नंबर पिन पर भी हमारा और आठ नंबर पिन पर भी देखिए उसके साथ साथ हमारे पास और एक फोर्टी टू इंच का मदरबोर्ड है इसका भी चेक करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पे टच करा उसके बाद तीन पाँच नंबर पिन यहाँ पे देखिए पांच नंबर और यहाँ पे टच करा तो क्यों नहीं हो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इंसुलेशन दिया हुआ है ताकि इसके साथ कोई शॉर्ट ना हो जाए इसलिए इसके अंदर टच करने के बाद कोई भी कॉन्टिन्यूटी हमें नहीं दिया चलिए तो यहाँ पे टच करता हूँ एच पर और यहाँ पे देखिए तीन पांच नंबर पिन उसके बाद हमारा सात नंबर पिन देखिए सात आठ ग्राउंड उसके बाद नीचे से तीन और यहाँ पे यानी कि ये हमारा पच्चीस और छब्बीस नंबर का पिन तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको किसी भी पैनल के साथ यूनिवर्सल मदरबोर्ड को छोड़ना है या कनेक्शन करना है एल केबल के जरिए तो इस तरीके से आप एल केबल को तैयार कर सकते हो आप अपने घर पे बैठे ही तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये ये जो वीडियो है, ये वीडियो है बहुत ही पसंद आया अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी प्रकार के कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द ही किया जाएगा उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस पिक्चर को लेना चाहते हो ग्राफिक्स के साथ तो आप हमारे वेबसाइट दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब डॉट कॉम पे विजिट कर सकते हो वहां पे मैंने इसको कलर इमेज बना के वहां पे डाल के रखा हूँ जस्ट आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब डॉट कॉम वहाँ पे जब आपको ये पिक्चर को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएंगे वो भी कलर पिक्चर के साथ उसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे वेबसाइट से या हमारे पास से नया मदरबोर्ड खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके साथ ही साथ अगर आपको रिफरबिश बोर्ड चाहिए किसी भी सोनी या ब्रांडेड टीवी टीवी का का बोर्ड 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 मतलब होता है कि दोस्तों पुराना टीवी से निकाला हुआ बोर्ट, वो बोर्ट अगर खरीदना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे किसी भी टीवी मॉडल का आपको मिल जाएंगे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएंगे अगर नहीं मिला तो आप हमें मेल कर सकते हो हमारा जो मेल आईडी है दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब एट द रेट जी मेल डॉट कॉम यहाँ से आप हमारे मेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हो आपको जो भी बोर्ड होंगे हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट